नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। जिलाधिकारी कार्यालय पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आयुर्वेदिक डिग्री धारकों को एक सर्जन के रूप में आगे कर रही है, जिसके कारण हम लोग की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। हम लोग 12 साल की तैयारी करके डॉक्टर बनते हैं, वही इन होम्योपैथिक के डॉक्टर 5 साल के डिग्री के बाद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जो क्वालिटी हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। डॉक्टर DP राय ने कहा कि सरकार उनको हम लोगों के कैटेगरी में लाने की तैयारी में है। आज उसी का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आगे हम लोग क्लिनिक बंद करके हड़ताल करेंगे। वहीं नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर DT सिंह ने कहा कि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत हैं, जिनकी सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, तो आखिर आयुर्वेद के परस्नातक सर्जरी क्यों नहीं कर सकते। आइए सुनाते हैं डॉक्टर DP राय ने क्या कुछ कहा। कर रहे हैं क्या मांगे? नहीं, हमारी मांगे मेन है मिक्सोपैथी के विरोध में। जैसे इन्होंने आयुर्वेद, यूनानी और हम लोगों की मॉडर्न मेडिसिन के कुछ जो विधा है, जो ऑपरेशंस हैं, उन लोगों ने उनको करने का अधिकार दे दिया है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आपस में कोई घालमेल हो। जो आयुर्वेद को, आप आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनसे आप उनकी क्वालिटी बढ़ाइए, आप यूनानी की क्वालिटी बढ़ाइए, सब पैथी को एक बिना मिला है। मिक्सोपैथी जिसका हम लोगों ने नाम दिया है कि सबको एक बिना मिला, सब पैथी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे जो है डॉक्टरों का मनोबल टूटेगा। और जो लड़का 12 साल पढ़ाई करके PG करके आके अपने प्रैक्टिस कर रहा है, और जो आदमी 5 साल पढ़ करके 4 साल पढ़ करके वो वही काम करेगा, तो फिर क्या क्वालिटी वही रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। क्वालिटी से आप समझौता मत करिए। आज हिंदुस्तान के डॉक्टर 60% विदेश में ही काम करते हैं। विदेशों में भी 60% इंडियन डॉक्टर है। इस कोरोना महामारी में अमेरिका में जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लंग ट्रांसप्लांट, वो इंडियन मूल के डॉक्टर ने किया है। और अभी भी कोरोना में आप देख लीजिए कि क्या अंग्रेजी मॉडर्न मेडिसिन जो है, उसके अलावा कोई टीका, जो टीके भी आ रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च का परिणाम है, जो इसकी बीमारी का इलाज है उसी का परिणाम है। तो इस पैथी को आप हरेस मत करिए कि इससे लोगों का मन टूटे और आगे अच्छी क्वालिटी डॉक्टरों की भारतवर्ष को न मिले। हम इसके विरोध में। कब तक आप लोग ये विरोध प्रदर्शन? नहीं, हम लोग विरोध प्रदर्शन विरोध का शुरुआत हुई है। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज हम सांकेतिक हड़ताल किए हैं। उसके बाद 11 तारीख को हम लोग OPD अपनी बंद रखेंगे, केवल इमरजेंसी सर्विसेज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे की लड़ाई जो IMA हेडक्वार्टर करेगा उस हिसाब से।